हेलो नमस्ते एंड वेलकम आपका स्वागत है पीसीएस स्टडी आईक्यू के चैनल में और आज हम जैसे कि हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं पहले तो मैं आपसे होमवर्क का अपडेट लूंगी कि आपने कितना होमवर्क कंप्लीट किया है ठीक है तो इसके लिए आ, दो चीजें हैं एक तो जो पुरानी क्लास का होमवर्क नहीं किया है वो जरूर करिएगा दूसरी चीज है कि मैंने पिछली बार आपको दो चीजें एक था आपका होप स्पॉट्स और एक था आपका डेड स्पॉट्स ठीक है इनके बारे में मैंने आपसे पूछा था और मैंने आपको कहा था कि प्लीज इसके बारे में जरूर पढ़िए बताइए क्या इंडिया में या भारत में आपको होप स्पॉट्स या डेड स्पॉट्स देखने को मिलते हैं और इनकी क्या डेफिनेशन होती है किसने ये चीज ये टर्म इन्वेंट करी थी वो सारी चीजें ठीक है, है तो ये अभी हम, हम पहले देखेंगे लेकिन उसके पहले मैं आपको आज का होमवर्क बता दू आज का होमवर्क जो रहेगा आपका वो लगभग ये रहेगा कि आपको मुझे बताना है जो अपनी एक आप बोल सकते हो एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ठीक है तो ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या होता है ठीक है पहले तो आप मुझे ये बताने वाले हैं और इसकी क्या प्रोसेस होती है क्या प्रक्रिया होती है इसमें कितने स्टेप्स होते हैं मोटे मोटे तौर पे ठीक है ये टॉपिक हम वैसे भी आगे पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है इसमें कितने स्टेप्स होते हैं क्या क्या होता है और साथ में कि ये जो ई है ठीक है इसको लेके क्या क्रिटिसिज्म है क्या इसके बारे में आप देखोगे बुरी चीजें हैं क्या अच्छी चीजें हैं जो आपने सुनी है तो वो आप मुझे जरूर बताइएगा ठीक है तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक से वेटलैंड जाने आर्द्र भूमि से लेकिन उसके पहले हम होप स्पॉट्स और डेड स्पॉट्स इन दोनों चीजों को देखेंगे ठीक है तो देखो ये है एक्चुअली होप स्पॉट्स जो मैं आपको बता रही थी Hope sports जो है ना आ, इनको हिंदी होप स्पॉर्ट्स ही बोलते हैं बेसिकली आपकी एक सिल्विया अर्ले हैं. उन्होंने एक मिशन ब्लू करके आप देखोगे एक मिशन है एक ऑर्गेनाइजेशन है एक संगठन है एक, आ, वो चालू किया था और इस मिशन ब्लू जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे आप एक्चुअली गूगल पे टाइप करोगे होप स्पॉट्स तो आपको ये मिशन ब्लू का डॉट और का लिंक मिलेगा जहां पे उन्होंने होप स्पॉट्स को समझा रखा है ठीक है उसके पहले अगर आप देखोगे मिशन ब्लू तो यहाँ पे आपको देखिएगा कि कैसे कितना ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने एक लाइव वीडियो के तौर पे आपको समझा रखा है कि कैसे उनका काम क्या है और इससे आपको देख के समझ भी जाएगा कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू ठीक है आइडिया है इस मिशन ब्लू का कि आपको ब्लू बचाना है तभी अर्थ बचेगा अगर आप पानी और ओशंस को छेड़ोगे ज्यादा तो बेसिकली क्या होगा आप अगर ओशंस को नष्ट करोगे तो आपकी पृथ्वी भी नष्ट होगी ठीक है समझ में आया तो ये बेसिकली आप देखोगे मिशन uh, ब्लू के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी है एक डॉक्यूमेंट्री भी है मिशन ब्लू के नाम से जिसको एमी अवार्ड भी मिला है तो इनफैक्ट मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर आपने नहीं देखी है तो इसको देखिएगा आपका लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्स्पेक्टिव है ना ओशन के बारे में जहां पर हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारा जो लैंड है हमारी जो पृथ्वी का वो हिस्सा है जहां पर हम रहते हैं सिर्फ वही बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है हमें सिर्फ उसी के बारे में चिंता करनी चाहिए वो पूरा बदल जाएगा ओशन के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है इतनी भिन्नता है कि अगर आपको पानी से प्यार है ठीक है तो आप इस भिन्नता को नहीं जाने देना चाहोगे ठीक है तो ये तो जाएगा आपका मिशन ब्लू अब हम आते हैं होप स्पॉट्स के ऊपर जो एक्चुअली आपका क्वेश्चन था देखो होप स्पॉट्स जो होते हैं ये वो स्पेशल जगहें होती है बेसिकली आप ये बोल सकते हो पानी के अंदर समुन्दर के वो इलाके समुन्दर का वो छोटा हिस्सा ठीक है जो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि पूरे ओशन की अगर मैं बोलूं हेल्थ है ना तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है अगर वो हिस्से को हम गंदा कर देंगे वो हिस्से को हम ढंग से मैनेज नहीं करेंगे उस हिस्से को हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे नष्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा जो ओशन है ठीक है वो जो पूरा सागर है पूरा का पूरा ही आप देखोगे नष्ट हो सकता है ठीक है ये वो एरियाज होते हैं बेसिकली जहां पे आप बोल सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बायोडाइवर्सिटी रहती है कुछ आप देखोगे ऐसे जीव जंतु रहते हैं जो ओशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे ठीक है और अगर ओशन के लिए इम्पोर्टेंट है उसकी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है तो ओवरऑल हमारे इको के लिए पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओवरऑल अभी तक एक सौ सैतालीस ठीक है होप स्पॉट्स लॉन्च कर ओ, हो चुके हैं और अगर हम देखें कि कितना किलोमीटर स्क्वायर का जो ओशन है वो इन एक सौ सैतालीस होप स्पॉट्स के अंदर कवर होता है तो लगभग लगभग आप देख सकते हो सैतालीस लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया इसके अंदर कवर होता है ये देखो ये इन्होंने मैप बना रखा है जहां पे ये लोग होप स्पॉट्स को दिखा रहे हैं तो आप जैसे जैसे इस पे क्लिक करते जाओगे मैं आपके सामने दिखा रही हूँ वैसे वैसे आप देखोगे कि आपको दिखाता जाएगा देखो सरगासो सी हो जाएगा यहाँ पे आप ये देख सकते हो ये आपका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वाला पोर्शन हो गया ठीक है ये आपका अफ्रीका वाला पोर्शन हो गया ठीक है ये मैंने इसको घुमा दिया तो ये अफ्रीका से आप यहाँ पे आ गए देख रहे हो आप ये इंडियन ओशन में आ गए हम अब देखो इंडिया में अगर आप इसको थोड़ा सा खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक तो है आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है और ये है आपके अंडमान और निकोबार वाले ठीक है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो अपना ये वाला हिस्सा है ठीक है अंडमान और निकोबार वाला ठीक है अंडमान आईलैंड जो है वो भी आपके होप स्पॉट्स के अंदर आते हैं तो इंडिया के कितने होप स्पॉट्स हैं दो एक है आपका लक्ष्मद्वीप और एक है आपका अंडमान आइलैंड्स आप देखो इस इसपे क्लिक भी कर सकते हो ठीक है और ये सबसे खूबसूरत चीज होती है मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके देखो चीजें रजिस्टर हो जाएंगी दिमाग में आप कभी नहीं भूलोगे अब यहाँ पे देखो लक्ष्मद्वीप आइलैंड के बारे में इन्फॉर्मेशन भी है कि जो आइलैंड्स हैं या आप देखोगे बहुत ज्यादा इसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है आपको पता है लक्ष्मीप आइलैंड जैसे आपका जो मॉल है वहां पे आपको कोरल रीव्स देखने को मिलते हैं वैसे लक्ष्मद्वीप भी कोरल रीव्स के ऊपर बना हुआ है ठीक है फिर यहाँ पे आप देखोगे कि कैसे लिंक है हमारा और अफ्रीका के बीच में बहुत सारी आपको भिन्नता विविधता देखने को मिलती है बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है यहाँ पे उन्होंने अलग अलग प्रकार के आपको ऑर्गेनिजम्स बता रखे हैं जैसे डॉल्फिन्स हो गई वेल्स हो गई ठीक है आपके टर्टल्स हो गए जो आपको इसी इलाके में देखने को मिलते हैं और फिर वो बता रहे हैं कि ये होप स्पॉट क्यों है क्योंकि आजकल यहाँ पे आपको पता है ना लक्षद्वीप में भी बहुत मेजर कंस्ट्रक्शन चल रहा है टूरिज्म स्पॉट डेवलप हो रहा है वहां तो पे हमारे डिफेंस के परस्पेक्टिव से भी आप देखोगे बहुत एक्टिविटीज हो रही है बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके बसने लग गए हैं अर्बनाइजेशन हो रहा है पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ रही है तो उस वजह से क्या हो रहा है जो कोरल रीड्स होती है ना उसमें ब्लीचिंग डिस्ट्रक्शन ये सब देखने को मिल रहा है ठीक है और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो अपने बताया संरक्षण वो करने की अब यहाँ पे आवश्यकता आ गई है ठीक है तो ये देखो आपने पढ़ा लक्ष्मीद्वीप के बारे में अब थोड़ा सा और आ जाओ तो अब हम चलेंगे अंडमान के ऊपर ठीक है अंडमान आईलैंड पे क्लिक करोगे तो ये अंडमान की भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी ठीक है तो एक मिनट देखो अंडमान आईलैंड के बारे में क्या पता है ये हमें पता है कि जो आपकी बंगाल की खाड़ी है बे ऑफ बंगाल ये वहां पे है ठीक है इसमें कितने आइलैंड्स हैं और आपको पता है कि यहाँ पे बैरन आइलैंड नारकोंडम जो आपके वॉल्केनोज हैं जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ये वहां पे आपको बहुत सारे वॉल्केनोज मिलेंगे जैसे आपको नारकोंडम हॉर्नबिल जो यहाँ पे एक एंडेमिक स्पीशीज है यहाँ की स्थानिक स्पीशीज है इसकी आपको बहुत सारी बर्ड की स्पीशीज मिलेंगी जो यहाँ पे स्थानिक है जो यहीं पर पाई जाती है यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मैंग्रोव मिल जाएगा सी ग्रासेस मिल जाएंगी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं अगर मैंने आपको पूछा भी था कि सी ग्रास और सी वीड में क्या अंतर होता है तो ये आप मुझे जरूर बताइएगा ठीक है फिर यहाँ पे आप देखो ये बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पे आपको एक ड्यूगोंग देखने को मिलती है याद है मैंने आपको ड्यूगोंग के बारे में पढ़ाया था वो आपके समुद्री इलाके की हरबी बोरस मैमल जिसको हम सी सीखाओ बोलते थे जो घास खाती थी बेसिकली आपके समुद्र के जो नीचे उसके जो लैंड होता है उसमें वहां पे जो उगती है ठीक है और फिर इसके बाद यहाँ पे भी वही है डेवलपमेंट हो रहा है टूरिज्म हो रहा है इ कटिंग हो रही है फॉरेस्ट वगैरह की मैंग्रोव को हटाया जा रहा है ठीक है जिस वजह से यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा का पूरा थोड़ा सा मतलब इसको संरक्षण की जरूरत है ठीक है तो ये आप देख सकते हो एक सौ सैतालीस यहाँ पे होप स्पॉट्स है इतना जाने की जरूरत नहीं है बट आपको इंडिया के होप स्पॉट्स के बारे में पता होना चाहिए ठीक है और मिशन ब्लू नेटफ्लिक्स पे जरूर देखना मुझे लगता है थोड़ी अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ी जाएगी ठीक है और सिल्विया अर्ले ठीक है जिन्होंने मिशन ब्लू स्टार्ट किया है वहां से आप देखोगे होप स्पॉट आता है ठीक है अब आता है आपका सेकेंड चीज वो है आपका डेड स्पॉट्स ठीक है ये देखो हो स्पॉट्स आप टाइप करोगे तो पहली पहली लिंक में आपको मिल जाएगा फिर आता है आपका डेड स्पॉट्स मैंने आपको जो पूछा था कि भैया आपके जो मृत स्थल होते हैं वो क्या होते हैं है है ना देखो डेड स्पॉट्स पता है, ये इसको ऐसे समझ के चलो देखो एक तो होता है डेड जोन ठीक है तो डेड जोन तो बेसिकली वो वाला हो जाएगा वो वाले एरिया वो वाले इलाके होते हैं जहां पे आपका ऐसा समझ लो कि वो समुद्र के इलाके जो इतने गंदे हो गए हैं वहां पे ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा कमी पड़ गई है कि वहां पे अब कोई अक्वेटिक लाइफ कोई भी मछली वगैरह सरवाइव नहीं कर सकती वहां से पूरी बायोडाइवर्सिटी या तो खत्म हो गई या माइग्रेट हो गई या कहीं और चली गई ठीक है अब ये क्यूँ होगा वहां बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया आपने बहुत ज्यादा प्लास्टिक का कचरा वहां से डाल दिया या यूट्रोफिकेशन हो गया वहां पे ठीक है फ्लडिंग हो गई या कुछ और चीज की वजह से वहां पे हो गया हो गया कि जो वहां की टेम्परेचर सेलिडिटी पीएच जो भी कंडीशन थी जो वातावरण में थी ठीक है जिस वजह से वहां पे आपकी जैव विविधता एग्जिस्ट करती थी अब वो वहां पे नहीं है ठीक है और जहां पे भी डेड जोन है ना वहां पे आपको जनरली दिखेगा कि क्योंकि आप देखोगे वहां पे बहुत सारे न्यूट्रिशन आता है पोषक मिलता है तो आपका एलगी का ग्रोथ ज्यादा अच्छा हो जाता है जब एलगी बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि भाई जब वो मरेगी तो सारा ऑक्सीजन उसको डिकम्पोज करने में चला जाएगा और जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो मछलियां कैसे सर्वाइव करेंगी तो कहीं ना कहीं वहां पे क्या हो जाएगा फिर कोई भी जैव विविधता नहीं रहेगी क्योंकि आपकी पूरी खाद्य श्रृंखला जो है वो ब्रेक हो गई ठीक है समझ में आ गया तो ये तो आपके थे डेड जोन्स ठीक है तो डेड जोन्स हो गए आपके और आपके होप स्पॉट हो गए ठीक है एक डेड स्पॉट भी होते हैं बेसिकली आ, यहाँ पे अगर आप टाइप करोगे तो इसको टाइप करो यहाँ पे एनवायरमेंट ठीक है तो आपको मिलेगा ये जहाँ पे डेड जोन दिखा रहा है और एक डेड स्पॉट्स भी होते हैं ठीक है आइडिया वही है कि जोन एक बड़ा इलाका हो गया जैसे अपने होप स्पॉट छोटे छोटे हो गए ना अंडमान लक्षद्वीप वैसे वैसे ही आपके आप, आप देखोगे डेड स्पॉट्स हो जाएंगे ये बेसिकली वो एरियाज हो जाएंगे ये देख सकते हो जहां पे आपकी जैव विविधता खत्म हो गई है ऑक्सीजन आपका है नहीं एल्गल ब्लूम हो चुका है इन्हीं को ही बोलेंगे ठीक है तो वो बेसिकली छोटे इलाके हो जाएंगे समझ में आ गया तो वो हो जाएगा तो आई थिंक आज का जो मैंने आपको लास्ट टाइम का होमवर्क दिया था वो तो यहाँ पे खत्म हुआ इस टाइम का जो होमवर्क है वो है आपका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ई आई ए ठीक है जिसके बारे में आप मुझे बताएंगे कमेंट्स कमेंट बॉक्स में अब हम चलते हैं अपने आज के जो टॉपिक है उसकी तरफ जो है आपका वेटलैंड जिसको हम लोग बोलते हैं आद्र भूमि ठीक है ये वेटलैंड क्या होता है देखो अगर आपसे कोई नींद में उठ के पूछे ना कि वेटलैंड क्या होता है आद्र भूमि क्या होती है तो नाम से समझ में आना चाहिए वो भूमि जिसमें पानी भरा हुआ हो अब वो कंप्लीटली पानी से भरी हो सकती है वो थोड़ा बहुत पानी से लबालब हो सकती है या उसमें नमी भी हो सकती है ठीक है तो वो कैसे भी टाइप की हो लेकिन उसमें पानी होना चाहिए तो ऐसी भूमि जिसमें पानी है उसको हम आर्द्र भूमि कहेंगे ठीक है अब इसमें क्या होता है आपका पानी कैसा भी हो सकता है वहां जमा हुआ हो ठीक है या वो बहरा हो मतलब नदी के फॉर्म में हो या झील या तालाब या लेक के फॉर्म में ठीक है आपका पानी कैसा भी हो सॉल्टी हो ठीक है समुन्द्र वाला पानी हो या फ्रेश वाटर आपके रिवर वाला पानी हो ठीक है आपके इसमें जो समुद्री तट होते हैं लेक्स होते हैं लगून होते हैं इसमें वो भी आते हैं इसमें एस्टूरीज डेल्टा रिवर वो भी आते हैं ठीक है तो इसमें ये सारे हिस्से आ जाएंगे समझ में आ रहा है आपको तो बेसिकली आप ऐसे समझो कि कोई जमीन है यहाँ पे पानी है तो आप मुझे बताओ कि जमीन और पानी का मिश्रण आपको कहाँ मिलेगा बीच वाले इलाके में जहाँ पे पानी और समुन्द्र का इंटरसेक्शन जमीन और समुन्द्र का इंटरसेक्शन हो रहा है तो ये जो इलाका है जहां पे जमीन और समुद्र या पानी का इंटरसेक्शन हो रहा है तो ये वाली आपकी आर्द्र भूमि हो जाएगी ठीक है और आपको पता था मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ऐसे जोन जो दो इको सिस्टम पार, दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच के आप देखोगे सिस्टम होते हैं ठीक है थीके? एक से दूसरी तरफ जाने के लिए इनको आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा तो जिनको हम ट्रांजिशन जोन बोलते थे जोन ऑफ टेंशन बोलते थे याद आ रहा है कुछ इनको हम क्या बोलते थे इको टोन ठीक है तो ये टेरेस्ट्रियल और आपका जो वॉटर सिस्टम है उसके बीच का ये इकोटोन हो जाएगा आप मुझे कमेंट्स में बताने वाले हैं इकोटोन्स की एक तो एग्जैक्ट डेफिनेशन और इसके दो तीन एग्जाम्पल्स वेटलैंड मत लिखना ये मैंने आपको बता दिया इसके अलावा मुझे बताना कि इकोटोन्स के कौन से एग्जाम्पल्स आपको याद है ये आपका पुरानी क्लास का रिवीजन भी है ठीक है तो ये चीज हो जाएगी अब देखो ये तो मैंने आपको एक जनरल डेफिनेशन बता दी तो अगर आपसे कोई जनरल डेफिनेशन पूछेगा तो आप क्या बोलोगे वेटलैंड वो एरियाज होते हैं जो कि परमानेंटली या सेमी परमानेंटली कभी कभी पानी से कवर्ड है कवर्ड ठीक है तो ये तो एक जनरल डेफिनेशन हो गई जो आप अपने मेंस के 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 एग्जाम्स एग्जाम्स में कहीं भी जो आपके स्टेट पीसीएस होते हैं वहां पे लिख के आ सकते हो ठीक है लेकिन वेटलैंड्स की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है अपन बोल सकते हैं सॉर्ट ऑफ लीगल डेफिनेशन जो होती है ना वैसी जो आप देखोगे जो अंतर्राष्ट्रीय अपने कन्वेंशन होते हैं जैसे आपका आगे आप एक चीज पढ़ोगे रामसार कन्वेंशन के बारे में या रामसर कन्वेंशन के बारे में वहां पर जो यूज करी गई है उसमें ये लाइन अगर नहीं लिखी ना तो आप चाहे कुछ ही लिखे हो पूरी दुनिया भर की रामायण वो गलत होगी ये लाइन लिखना इंपॉर्टेंट है कि वो हिस्सा जहां पे हम बोलते हैं ना कि जगह लो टाइड आती है तो जो पानी की डेप्थ है वो छह मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ठीक है तो वो उन चीजों को हम लोग वेटलैंड के अंदर काउंट करेंगे ठीक है ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लो टाइड हाई टाइड क्या होती है ये आप अपने जोग्राफी में पढ़ते थे याद है हम पढ़ते हैं अर्थ है फिर मून है फिर है सन ठीक है इनका ग्रेविटेशन गुरुत्वाक्षण आप देखोगे फोर्स लगता है जिसके वजह से हमारा समुन्द्र उछाल लेता है पानी की हाइट बढ़ती है ऊपर नीचे जाता है ठीक है सन और अः uh, मून अपनी दोनों तरफ से हमें खींचते हैं लेकिन मून हमारे नजदीक है तो इसके जैसे टाइड ज्यादा ऊपर जाती है ठीक है जब पानी ऊपर जाता है तो हाई टाइड बोलते हैं और उस जब आप देखोगे वो फोर्स नहीं लग रहा ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम उसको बोलते हैं लो टाइड ठीक है तो लो टाइड के वक्त अगर आपका पानी का डेप्थ छह मीटर से ज्यादा नहीं है तो वैसे इलाके आप देखोगे तो पानी तो है ही लेकिन उसकी बस डेप्थ जो हम बोलते हैं ना गहराई वो छह मीटर से ज्यादा नहीं है तो ऐसे इलाकों को हम बोलेंगे आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड ठीक है अब आप देखोगे अच्छा हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है आप मुझे ना एक चीज बताना दो टर्म्स लिख रही हूं मैं बोर्ड पे एक है बॉग और एक है आपका फेन ठीक है एक है मार्श और एक है आपका स्वम ये लिख लो एक बार अपनी कॉपीज में आप मुझे इनका अंतर बताने वाले हो कि बॉग और फेन में क्या डिफरेंस होता है और मार्शी या स्वी एरियाज हम बोलते हैं ना मार्श और स्वम्प या फिर मार्शी या स्वपी इन एरियाज में क्या अंतर होता है भाई किस इलाके को हम मार्शी इलाका बोलते हैं और किस इलाके को हम स्वम्पी इलाका बोलते हैं कौन से एरिया को हम बॉक्स बोलते हैं कौन से एरिया को हम फेंस बोलते हैं ये चार शब्द हैं जो आप बार बार सुनोगे और जब एमसीक्यूज आएगा ना फिर बार बार गलत करोगे ठीक है तो इनको हम ऑब्वियसली एक्सप्लेन करेंगे जब ये इनका टर्म्स का मेंशन होगा लेकिन आप अभी के लिए इसको होमवर्क लिखो और इनके बीच में मुझे डिफरेंस जरूर बताना ठीक है अब मेरे साथ आ जाओ आप मैंने आपको वेटलैंड बता दिए ठीक है अब एक यहाँ पे आप देख सकते हो मार्श और तो बेसिकली आपके चाहे मार्शी एरियाज हो स्वाम्पी एरियाज हो चाहे आपके बॉक्स हो फैंस हो ये सारे वेटलैंड के डेफिनेशन के अंदर ही आते हैं ठीक है फिर एक यहाँ पे पीट लैंड लिखा हुआ है ये पीट लैंड क्या होता है आपको याद है मैं बता रही थी कि जब कोयला बनता है तो बहुत सारी जो वेजिटेशन थी पुराने जमाने में जंगल थे फॉरेस्ट थे पेड़ पौधे थे वो जब जमीन के अंदर आप देखोगे दब गए थे ठीक है उसके बाद वहां पे प्रेशर टेम्परेचर अलग अलग प्रक्रियाएं हुई और उसके बाद आप देखोगे आपका कोयला बनता है अब लेकिन कोयले की भी क्या होती है ग्रेड्स होती हैं एक आपका पीट लेमुनाइट फिर ब्यूटिनेस और आंथ्रेसाइट ऐसे करके आपकी चार ग्रेड्स होती हैं जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते हो आपका कार्बन का जो कंटेंट होता है कार्बन की जो मात्रा होती है वो बढ़ती है और जो बाकी कंटेंट होता है पानी और वो सब वो कम होता चला जाता है सबसे कम होता है आपका पीट मतलब जो नया नया कोयला होगा ना इसमें थोड़ा बहुत वेजिटेशन के आपको हिस्से भी दिख जाएंगे लेकिन प्रॉपर कोयला नहीं है उसको जलाओगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रदूषण भी मिलेगा तो वो होता है पीट ठीक है तो मुझे बताओ वो पीट वाला जो इलाका होता है ना पीट लैंड उसमें भी आप देखोगे अगर पानी है वहां पे थोड़ा थोड़ा पानी है तो उसको भी हम लोग वेटलैंड या आर्द्र के डेफिनेशन में लेते हैं ठीक है पहली चीज तो आपकी ये अब आती है दूसरी चीज कि मैंने आपको आर्द्र भूमि बता दी क्या होती है जहां पे पानी है अब थोड़ा है बहुत है कम है खारा है नमकीन है मीठा है जैसा भी है पानी है ठीक है तो आप ये देखोगे कि जिस मिट्टी में पानी भरा हुआ है वहां पे क्या हो रहा है जब मैंने आपको सॉइल पढ़ाया ठीक है हम जब ए बायोटिक फैक्टर्स पढ़ रहे थे याद है मैंने आपको सॉइल पढ़ाया था और मैं वहां पे बोल रही थी कि भाई जब आप मिट्टी उठाते हो तो उसके अंदर भी आपको छेद दिखते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि मिट्टी के कण बिल्कुल पास पास चिपके हुए हैं उनके बीच में भी छेद होते हैं या तो उन छेदों में हवा रहती है या उन छेदों में पानी रहेगा करेक्ट है अब आप ये बोल रहे हो कि किसी जगह पे आपने पानी भरा हुआ है तो वो छेदों में क्या हो जाएगा पानी भर जाएगा समझ में आ रहा है तो आप ये सोचो कि क्या हर टाइप के प्लांट्स हर टाइप की वेजिटेशन इस जगह पे सर्वाइव कर पाएगी नहीं ऐसी प्लांट्स ऐसी वेजिटेशन जो कि थोड़े से पानी में रहने की आदि हो ठीक है क्योंकि आपके अब देखोगे रूट्स जो है उन छेदों में अब हवा तो है नहीं ऑक्सीजन तो है नहीं तो उनको कम ऑक्सीजन में सर्वाइव करने की आदत है ठीक है तो वैसे आप प्लांट्स यहाँ पे आप देखोगे वेटलैंड में आद्र भूमि में सर्वाइव कर पाएंगे ठीक है तो पहले तो बताओ वेटलैंड्स के एग्जाम्पल तो जैसे आपके मैंग्रोव सिस्टम्स हो गए वो आपके वेटलैंड्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे वैसे आप देखोगे कि जो आपके लिटरल एरियाज होते हैं लिटरल एरियाज का मतलब याद है याद है या नहीं याद है बिल्कुल याद है तटीय इलाके से लगता हुआ एरिया उसको जिसमें सनलाइट भी पड़ती थी उसको लिटरल एरिया बोलते थे अच्छा वेरी गुड यहाँ से मुझे याद आया कि आप मुझे बताओगे ए बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं उसमें याद है लिमनेटिक जोन फोर्टिक जोन ए फोर्टिक जोन ये सब क्या था ये आपका पुरानी क्लास का रिविजन है क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सत्रह अठारह क्लासेस कर ली है तो अब तो अच्छा टाइम है मुझे पुराने क्वेश्चन पूछने का तो ये आप मुझे कमेंट में बताना ठीक है तो लिटरल लि एरियाज जो हो गए वो हो जाएंगे आपके फ्लड प्लेन्स जो होते हैं जो आपके बाढ़ के मैदान होते हैं ना जैसे नदी गुजर रही है फिर नदी में से आप देखोगे बाढ़ आ गई तो उसके आसपास के हिस्से में भी आप देखोगे फ्रीक्वेंटली पानी रहता है तो ऐसे इलाके हो गए वो भी आप देखोगे आर्द्र भूमि के अंदर आते हैं ठीक है फिर अम्म uh, मतलब ये सारे एरियाज तो आपके आएंगे ही आएंगे ठीक है अब हम चलते हैं आर्द्र भूमि से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स की तरफ ठीक है तो आप ये देखोगे ये आपको याद होना चाहिए ताकि आप जब भी कोई आंसर लिखो और उसमें अगर ये लिख के आते हो तो ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं ये आपको याद रखना है कि इंडिया में एक्चुअली इसरो जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है अपना संगठन है अपना स्पेस वाला उन्होंने बेसिकली एक सर्वे किया था जहां पे ऑब्वियसली नंबर ऑफ वेटलैंड्स तो थे काफी ज्यादा थे लेकिन उन्होंने जो रजिस्टर कर पाए जितना तो उन्होंने बताया उसके हिसाब से कहीं ना कहीं हमें ये निकल के आया कि भैया इंडिया में लगभग लगभग सत्ताईस हजार लिख लो या तीस हजार लिख लो उतने वेटलैंड हैं जिसमें से सिक्सटी सेवन परसेंट जो है वो इनलैंड है ठीक है सिक्सटी सेवन परसेंट आपके कैसे हो गए आपके इनलैंड हो गए ठीक है इनलैंड मतलब आपके जो अंदर वाले इलाके होते हैं वहां पे ठीक है और थर्टी थ्री परसेंट के आसपास आपके कोस्टल यानी तटीय है ठीक है तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में आद्र भूमि सबसे ज्यादा आपको कहा मिलेगी तो अंदर वाले इलाके यानी इनलैंड में मिलेगी और सिर्फ थर्टी थ्री परसेंट ही आपकी तटीय है ठीक है या तो ये याद कर लो या फिर ये नंबर याद कर लो जो आपको याद रहे टोटल सत्ताईस हजार उसमें से सिक्सटी सेवन परसेंटेज में इनलैंड है और थर्टी थ्री परसेंट में आपके कोस्टल यानी तटीय है ठीक है अगर आप ये बात करो कि आद्र भूमि हमारे अगर हम पूरे देश का कितना हिस्सा ऑक्यूपाई करती है तो लगभग लगभग 20 प्रतिशत के आसपास आप देखोगे हमारे यहाँ पे भूमि है है तो क्योंकि इसमें क्या होता है? आपके नेचुरल भी आती है प्राकृतिक वाले भी आते हैं और आपके आर्टिफिशियल कृत्रिम अब ये आप बोलोगे मैम ये कृत्रिम वाले कौन से हो जाएंगे अरे भाई मुझे एक बात बताओ आप ये जो राइस उगाते हो ठीक है चावल की खेती करते हो तो चावल में भी तो भूनी आप, आप क्या करते हो पूरे टाइम इसको लवा वाला पानी से पूरी जमीन को ढक के रखते हो वैसे जब आप जूट उगाते हो तो वहां पे भी तो आप देखोगे लबालब पानी पानी रहता है जमीन के ऊपर तो ये भी तो वही भूमि हो गई जहाँ पे पानी भरा हुआ है तो ये वाली भूमि भी आप देखोगे वेटलैंड के अंदर काउंट होती है ठीक है तो अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे कि भैया आपके प्राकृतिक वेटलैंड प्राकृतिक जो आपकी आदर भूमि होती है उसके एग्जाम्पल्स बताओ तो कुछ भी हो सकता है ये जो तालाब वगैरह होते हैं फ्रेश वाटर वाले जो आप हिमालयाज में आपको देखने को मिलते हैं वो भी हो सकते हैं या फिर आपके जो सॉल्ट वाटर लगून होते हैं या आप गुजरात के अगर खाड़ी में जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारे वो मिलेंगे लोग जो बेसिकली अः सॉल्ट का काम करते हैं वहां पे नमक के पैदावार करते हैं तो जो सॉल्ट पैंस होते हैं वो भी इसका एग्जाम्पल है वैसे आपके बैक वाटर्स में जो केरला में बैक वाटर्स नहीं होते वो हो गए या आपके एस्चूरीज हो गई नर्मदा वाली या मैंग्रोव्स हो गए आपके आपके लक्ष्मद्वीप के कोरल्स हो गए ठीक है वो सारे आप देखोगे इसके एग्जाम्पल बनेंगे ठीक है फ्लड प्लेन्स हो गई बाढ़ की भूमि हो गई तो सब आ जाएगा इसके अंदर ठीक है तो ये देखो वेटलैंड आपका कौन सा सिस्टम हो जाएगा ये भूमि हो गई ये पानी हो गया तो ये पूरा हिस्सा आपका वेटलैंड के अंदर आ जाएगा ठीक है अब देखो वेटलैंड के बारे में हमने पढ़ लिया लेकिन वेटलैंड के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं भाई इसकी महत्ता क्या है इसका क्या मतलब इंपॉर्टेंस है वो तो हमें पता होना चाहिए ना अगर मैं कल वेटलैंड हटा दू तो क्या हो जाएगा भाई सबसे पहले चीज तो क्या हो जाएगा इकोसिस्टम तंत्र पूरा इकोसिस्टम सिस्टम पारिस्थिति की तंत्र हिल जाएगा हमारी जो खाद्य श्रृंखला है खाद्य जाल है फूड चेन फूड वेब पूरा हिल जाएगा तीसरी चीज भाई वेटलैंड आखिर में है क्या ये भी एक तरीके का भूमि है बस वहाँ पे पानी है। लेकिन मैंग्रोव डेल्टा एस्टूरी ये सब हटाओगे तो क्या हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता आपकी जितनी भी इकोसिस्टम हैं है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है न्यूट्रिय साइकिलिंग है एनर्जी फ्लो है वो सब हिल जाएगा फिर आपकी चूंकि आप देखोगे की वेटलैंड्स जो होते हैं ट्रांजिशन एरियाज होते हैं ठीक है आपको ये बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज याद है सेवाएं देते हैं प्रोविजनिंग सर्विसेज आपकी रेगुलेटिंग सहायक रिक्रिएशनल वो सारी सर्विसेज चली जाएंगी कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं जो आपको वेटलैंड से मिलते हैं भाई अंत में वेटलैंड क्या है वहां पे भी पेड़ पौधे हैं वहां पे भी जीव जंतु है समझ में आ रहा है उल्टा वहां पे आप क्योंकि पानी है तो खेती कर सकते हो एक्वाकल्चर कर सकते हो पीसी कल्चर ये सारी चीजें कर सकते हो है ना फिर वेटलैंड्स जो होते हैं क्योंकि वहां पे पानी एब्जॉर्ब मिट्टी ऐसी होती है कि वो पानी एब्जॉर्ब कर सकती है तो सोचो अगर आपके बैंगलोर में इतनी प्रॉब्लम क्यों है क्योंकि तो वहां के जितने भी लेक्स थे थे आपने लेकिन वेटलैंडमेंट कर लिया वहां पे बिल्डिंग्स खड़ी कर दी तो आज जब वहां पे नदी में पानी एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए मिट्टी या लैंड तो रहा ही नहीं ना ये प्रॉब्लम है तो ये फ्लड कंट्रोल करते हैं क्योंकि इनकी मिट्टी में पानी रहता है तो यहां से आप देखोगे ग्राउंड वाटर में पानी डालते हैं जहां से आपका फिर आप ग्राउंड वाटर से पानी निकाल के आपको पानी पीने के पानी मिलता है ठीक है यहाँ से आप देखोगे की जैव विविधता वो सारी चीजें तो है ही है ही साथ में आपका जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ठीक है आपका जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें भी आप देखोगे उसको कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करते हैं कितनी सारी जैव विविधता वो सब तो यहाँ पे रहती है आप देखोगे वेटलैंड जो होते हैं चाहे डेल्टा एस्टोरी लगून यहाँ पे कितनी सारी सेंचुरीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बर्ड सेंचुरी, सेंचुरी नेशनल पार्क बायोस्फेयर रिजर्व बने हुए हैं मरीन बायोस्फेयर रिजर्व वगैरह बने हुए हैं जो कि इको टूरिज्म सतत बोलते हैं ना टूरिज्म उन सब भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्प कर रहे हैं फिर आप देखोगे वेटलैंड में क्या होता है बहुत सारी मिट्टी है ऊपर पानी है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपका कोई वेस्ट मटीरियल आता है तो वो भी क्या होता है प्लांट्स वगैरह होते हैं तो उसको फिल्टर कर लेते हैं तो वेस्ट को फिल्टर करता है ये ठीक है वाटर को प्यूरिफाई करता है इसके अलावा आप देखोगे बफर की तरह काम कर रहा है भाई मैंने आपको बताया था ना और हम आगे भी पढ़ेंगे मैंग्रोव्स के बारे में कि आपको पता है इनफैक्ट जब हमारी ऐसा बोला जाता है कि अगर सपोज हमारे जो तटीय इलाके हैं वहां पे हर जगह अगर हम मैंग्रोव्स लगा दें तो आपको पता है जितने सारे साइक्लोन्स आते हैं बाढ़ आती है फ्लड्स वगैरह आती है ठीक है उससे ये हमें प्रोटेक्शन दे सकते हैं क्योंकि ये क्या करेंगे इनके रूट्स जो होते हैं बड़े बड़े पेड़ हैं तो ये जो तीव्रता से सुनामी ये फ्लड्स ये सब साइक्लोन्स हमें हिट कर रहे हैं उसकी तीव्रता भी कम हो जाएगी आप देखोगे अगर हवा इतनी तेज चल रही है तो जब पेड़ों से टकराएगी तो कम हो जाएगी ना और उसके बाद जो पानी एकदम से पड़ा तो पहले पेड़ों पर पे पड़ेगा तो वो जब आगे गिरा भी थोड़ा बहुत तो उसका तीव्रता इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी सब कम हो रही है तो ये उसमें भी हमारी तरह बफर की तरह बफर की तरह हेल्प करते हैं ठीक है अब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको लगता है कि जब इतनी सर्विसेज दे रहे हैं तो हमारी ग्रीड आगे नहीं आएगी और आपको लगता है कि हम ग्रीडी नहीं बनेंगे तो ये तो भाई मतलब बहुत ही बड़ा आपका वो हो जाएगा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ह्यूमंस को कहीं से फायदा मिलता है और हम उस चीज को छोड़ दें हम क्या है छोड़ते नहीं है हम एक्सप्लॉइट करते हैं हम अगर एक चीज निकालनी चाहिए उसमें से तो हम पंद्रह चीजें निकालेंगे क्योंकि हमें लगेगा जितनी जल्दी हम सब बन जाए उतना उतना अच्छा ठीक है तो इस वजह से हो रहा है का डिप्लीशन उनका नष्ट तो डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है और साथ में आप देखोगे उनका विनाश भी हो रहा है ठीक है तो ये इसके क्या कारण है देखो कारण ये है एक तो हमारा ह्यूमन ग्रीड ठीक है वो तो है ही है ही तो कभी भी आप देखो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस आंसर करो ना इसको ऐसे कर सकते हो एक तो आप लिख दो नेचुरल रीजन जो आपके प्राकृतिक रीजन होते हैं जिसमें आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो भाई कहीं अर्थक्वेक आ गया कहीं फ्लड आ गया प्राकृतिक कारण कहीं साइक्लोन आ गया सुनामी आ गई तो इसमें आपका रोल नहीं है डिस्ट्रक्शन करने का इसमें नेचर प्राकृतिक प्रकृति का आप देखोगे कहीं ना कहीं रोल है इसको नष्ट करने के लिए एक होते हैं आपके आंथ्रोप्रोजेनिक जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन फैक्टर्स जिसमें हमारा हमारा लालच हमारी ग्रीड ये सारी चीजें आती हैं भाई आप मैंग्रोव्स को काटे जा रहे हो ठीक है आपको वो जमीन एग्रीकल्चर के लिए चाहिए खेती बाड़ी के लिए चाहिए इंडस्ट्री लगाने के लिए चाहिए सिटीज फैलाने के लिए चाहिए फार्मिंग फिश फार्मिंग करने के लिए चाहिए ठीक है वो सब हो गया या फिर आपने आप देखोगे कि आपको बजरी चाहिए आपको पता है रिवर के आसपास के जो इलाके होते हैं वहां पे बजरी मिलती है और आपको पता ही है कि कैसे हमारे यहाँ पे बजरी पूरा माफिया बना हुआ है सैंड माफिया पूरा बना हुआ है आपको पता है ना राजस्थान में सैंड माफिया को लेके कितना आप देखोगे बीच में प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि कितने सारे जो ऑफिसर्स थे जिसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे माफिया ने उनको ही सल्टा दिया ठीक है तो ये आप देखोगे सैंड जो हम रिमूव कर रहे हैं ना अननेसेसरी भाई सैंड है ना आपको पता है ऐसा नहीं है कि जो रिवर आती है अपनी जो नदी रही है उसमें सैंड का कोई रोल नहीं है आपको पता है सैंड पूरा फिल्टर करती है उस नदी को बहने लायक बनाती है जो हम बोलते हैं ना इकोलॉजिकल फ्लो है कि भाई गंगा में हम बोलते हैं कुछ ऐसे तत्व है कि गंगा के पानी को आप कितने दिनों तक भी रख लो वो सड़ता नहीं है नहीं तो जनरली क्या होता है नदियों के पानी में से आपको बांस आने लग जाएगी क्यों क्योंकि उस गंगा के पानी को फिल्टर किया जा रहा है उसमें वैसे कुछ नेचुरल चीजें हैं कुछ ऐसे आप देखोगे प्राकृतिक न्यूट्रिय है जो वो काम कर रहे हैं तो अगर आप सैंड हटा दोगे तो वो प्राकृतिक हो सकता है न्यूट्रिएंट्स भी गायब हो जाएं, ठीक है तो ये हम लोग ये घर का कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए सैंड उड़ा डालते हैं ठीक है फिर आप देखोगे भाई ये हम लोग सारा डंप वेस्टेज जो है वहाँ पे डंप कर रहे हैं चाहे वो हमारे घरों से निकला कचरा हो चाहे वो आप देखोगे इंडस्ट्री से निकला कचरा हो आपको पता है ना कि बीच में गंगा के किनारे कितना सारा टैनिंग इंडस्ट्रीज लेदर इंडस्ट्रीज आपकी डाइंग इंडस्ट्रीज वहां पे स्टेब्लिश थे अपना कचरा डायरेक्टली गंगा में फेंक रही थी ठीक है वो तो बाद में एनजीटी ने ऑर्डर पास किया उसको हटाया लेकिन आप ये समझो कि इससे हो क्या कराया कि हमारी पूरी की पूरी नदी उसके आस के जो इलाके थे वो पूरे खराब हो गए समझ में आ रहा है आपको तो बहुत सारे रीजन है मतलब ये तो मुझे लगता है कि मैंने शायद पांच छह लिखे हैं आप जो चाहे वो लिख सकते हो आपको पता है आजकल ऑयल स्पिल्स एक नया रीजन बन के आया है ठीक है कि इसके अलावा आप देखोगे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया ठीक है हम लोग जो बस काटे जा रहे काटे जा रहे हैं जंगले तो वो भी आप देखोगे एक प्रॉब्लम है ठीक है तो बहुत सारे इसके कारण जाते हैं जिस वजह से आप देखोगे पूरे के पूरी आद्र भूमि को नष्ट करने पर तुले हुए हैं अब आता है इसका मिटिगेशन एफर्ट कि भाई हम लोग क्या करें जिससे आप इसको मिटिगेट कर सको ठीक है जिससे आप इसका कहीं कहीं शमन कर सको कि भैया हमें और वेटलैंड्स को खत्म या नष्ट नहीं करना है तो कैसे करोगे देखो इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई वेटलैंड कितने हैं कितनी आर्द्र भूमि है जिसको हमें संरक्षण जिसका संरक्षण करना है जब यही नहीं पता होगा तो संरक्षण कैसे करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे आता है कि भैया आपको क्या करना है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम बोलते हैं ना सैटेलाइट को यूज करो आपका रिमोट सेंसिंग टेक्निक जो होती है इनको यूज करो ताकि आप ये देख सको कि भैया सबसे पहले तो आपके देश में वेटलैंड है कितने ठीक है उसके बाद आपने वेटलैंड को बचाने के लिए उनका संरक्षण करने के लिए बहुत सारे लॉज पॉलिसीज स्कीम्स रूल्स ये सब बना रखे हैं उनको आप देखोगे ढंग से फॉलो करते हैं नहीं करते हैं उनके लिए जो प्रॉपर बॉडीज हैं वो अपना काम कर रही है या नहीं कर रही है नहीं कर रही है तो उनको भी पनिशमेंट दो जो इन वेटलैंड को खत्म करने पे तुले हुए हैं उनको भी प्रॉपर पनिशमेंट होनी चाहिए उनका केस बीस बीस साल तक कोर्ट में चलेगा तो तब तक तो आप देखोगे उनके बच्चे संभालने लग जाते हैं वो व्यापार सैंड माफिया वाले ठीक है तो फिर क्या किस चीज़ का फायदा हुआ फायदा हुआ ही नहीं ना जब तक उनको उनकी लाइफ टाइम में पनिशमेंट नहीं मिलेगी वेटलैंड को खत्म करने की तो कैसे चलेगा ठीक है वैसे ही जो अनसस्टेनेबल तरीके से चाहे वो टूरिज्म हो चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हो चाहे वो आप वेस्ट को डंप कर रहे हो चाहे वो आप एक्वाकल्चर कर रहे हो एग्रीकल्चर में बदल रहे हो ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो ये सब चीजों को बंद करना पड़ेगा ठीक है आप ये जो डम कचरा वहां पे पटकते रहते हो ना बिल्कुल हमारे नदी हम जो चाय करें ये ऐसा एटीट्यूड नहीं चलेगा आपको कचरे को प्रॉपरली आप देखोगे रिफाइन करना पड़ेगा मतलब उसको सॉर्ट करना पड़ेगा फिल्टर करना पड़ेगा ताकि आपका जो एरिया है वहां पे आप देखोगे कोई कचरा ना जाए आप ऐसा नहीं है कि ये मतलब नदी है कितना भी कचरा ले लेगी भाई एक लिमिट होती है मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप जितना चाहोगे उतना उसमें कचरा डालते जाओगे और वो लेती चली जाएगी आप लोगों का गुस्सा सहन कर सकते हो क्या मुझे एक बात बताओ नहीं कर सकते ना एक हद तक ही बो लेते हो आप बोलते हो कि भाई एक हद तक ही मैं लूंगी उसके बाद मेरे को नहीं मेरे को नहीं चाहिए आपका गुस्सा ठीक है वैसे ही चीज है और हमेशा याद रखना कोई भी जो आपके संरक्षण के एफर्ट्स होते हैं ना वो कभी भी वहां की जब तक आप लोकल पॉपुलेशन को इन्वॉल्व नहीं करोगे ना तब तक सक्सेसफुल नहीं होंगे बाहर से कोई एजेंसी आके एक हद तक ही काम कर सकती है गंगा हम बोलते हैं ना आजकल पूरी क्लीन हो चुकी है वाराणसी जाने का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है ठीक है तो ये जो गंगा क्लीन हो गई है वाराणसी जाने का पूरा ट्रेंड बना है वहां पे नए नए घाट आ गए हैं उसको क्लीन कर दिया गया है तो ये इसीलिए हो पाया है क्योंकि वहां पे हमने गंगा ग, जो आपने बोलते हैं ना गंगा सेवक ऐसे वहां के जो लोकल पॉपुलेशन थी उनको इन्वॉल्व किया वो लोगों पे नजर रखने लगे वो वहां के लोगों को खुद के लोगों को आप देखोगे सेंसिटाइज करने लगे कि आपको गंगा में कचरा नहीं डालना है ठीक है तभी आप देखोगे आपका ये पूरा एफर्ट सक्सेसफुल हो पाएगा ठीक है तो ये सारी चीजें फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि भैया जहां पे वेटलैंड्स खत्म हो गए हैं देखो कुछ तो ऐसे एरिया पे पूरे नष्ट हो गए भाई आपका पूरा का पूरा कोरल रीफ चला गया या फिर बिल्कुल लास्ट एक दो परसेंट बचा है तो वहां पे क्या करोगे जो बचा है उसको तो कंजर्व तो करने की कोशिश करोगे ठीक है उसके अलावा और नष्ट ना हो वहां पे आर्टिफिशियल तरीके से आप कुछ ग्रोथ करने की कोशिश करोगे मैन खुद से एफर्ट्स लोगे भाई नेचुरल तरीके से तो वहां पे उग नहीं रहा क्योंकि हमने इतना बचा दिया तो अब वहां पे हम आर्टिफिशियल तरीके से कोशिश करेंगे कि हम कुछ कर पाए तो आपको पता है आजकल आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग कोरल रीफ का डेवलपमेंट कर रहे हैं तमिलनाडु के पास एक जगह है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट लिया गया था इवन गुजरात के पास भी आप मुझे कमेंट्स में बताने वाले हैं कि वो कौन सी जगह है जहां पे आप देखोगे सक्सेसफुली ट्राई किया गया है हमने आर्टिफिशियल तरीके से कोरल रीफ बनाई अब उसके ऊपर नेचुरल तरीके से कोरल रीफ अपने आप उगने लग गई ठीक है वैसी डिफॉरेस्टेशन की जगह एफॉरेस्टेशन करो ठीक है बहुत सारी आप देखोगे मैंने बताया ना कि बाहर की जो एग्जॉटिक स्पीशीज होती हैं इन्वेजिव स्पीशीज होती हैं जो हमारी स्थानिक स्पीशीज नहीं है वो आ जाती है और यहाँ की वेजिटेशन को पूरा नष्ट कर देती है तो ऐसी चीजों को अवॉइड करो ठीक है कोशिश करो कि भैया आपका ये जो प्रदूषण की वजह से यूट्रोफिकेशन होता है आपका इसके वजह से जो डेड जोन बनते हैं आपके वेटलैंड वो सब ना बने ठीक है तो ये आपके कुछ तरीके हो जाएंगे शमन करने के वेटलैंड का डिस्ट्रक्शन अब क्या है ना आप पहले हो ना मैं पहली हूं ना ये सरकार पहली है जिसने वेटलैंड के संरक्षण के लिए कुछ एफर्ट्स लिए हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कुछ एक तो संगठन है वेटलैंड इंटरनेशनल करके जो आपके आपको पता होना चाहिए देखो राम रामसर कन्वेंशन जो है ना वो हम बाद में अलग से पूरा एक पीपीटी ही उस पर पढ़ेंगे तो उसको छोड़ के उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने दो तीन कुछ प्रोग्राम्स कुछ रूल्स और एक संगठन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है तो इनको हम थोड़ा सा डिटेल में इसी लेक्चर में पढ़ेंगे सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक एनजीओ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काम करते है जिसका नाम है वेटलैंड इंटरनेशनल ठीक है अंतर्राष्ट्रीय आदर भूमि के ऊपर जो एक एनजीओ है ये काम कर रही है इसका काम ही यही है कि कैसे आप जो ये आद्र भूमि है इसको सस्टेन कर सको इसको जो नाश हो चुका है उसको वापस रिस्टोर कर सको कैसे आप लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाओ ठीक है कि भैया की क्या महत्ता है इससे आपको क्या फायदे मिल रहे हैं इससे जैव विविधता को क्या फायदे मिल रहे हैं है, ठीक है सरकार को इन्फ्लुएंस करो एनजीओस को ऑन बोर्ड लाओ लोगों तक आप देखोगे ये सारी चीजें पहुंचाओ ये काम है आपके वेटलैंड इंटरनेशनल का फिर एक आपका ना प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं नेशनल प्रोग्राम ऑन कंजर्वेशन ऑफ अक्वेटिक इकोसिस्टम ठीक है अब ये है क्या इसका शॉर्ट फॉर्म है एन देखो एक्चुअली होता क्या था कि पहले हमारे यहाँ पे दो स्कीम चलती थी ठीक है अब आपको पता है ना कि स्कीम्स एक्चुअली क्या होता है अब जो हमने क्लासिफिकेशन किया है उसके हिसाब से स्कीम्स हैं ऑलमोस्ट तीन टाइप्स की ठीक है एक तो है आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक है आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और एक ऐसी आपकी ऑप्शनल टाइप ठीक है सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में फर्क क्या है पहले ये सुनो देखो सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब क्या होता है इसमें मेजर खर्चा जो है वो सेंटर ही करेगी यानी आपकी केंद्र सरकार ये कौन सी सेक्टर्स में ये स्कीम लॉन्च होती है ये वो क्षेत्र होते हैं जो जनरली आप देखोगे अपने केंद्र सरकार के अंदर आते हैं जब आप अपनी पॉलिटी पढ़ते हो तो उसके अंदर आप पढ़ते हो ना सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट तो जो सेंट्रल लिस्ट होती है जो आपके केंद्र सरकार की जो लिस्ट होती है जिसमें केंद्र आप देखोगे के लॉज बनाती है जनरली ओ वाले जो सब्जेक्ट होते हैं ना उसपे अगर आप कोई स्कीम लॉन्च करते हो ठीक है जिससे सारी स्टेट को फायदा होगा जो सेंटर के उसके आ, सेंटर के आप देखोगे अपन बोलते हैं ना उनके क्षेत्र के अंदर भी आती है तो उस पर आप देखोगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च होती है मेजर खर्चा भी इसमें सेंट्रल सरकार या केंद्र सरकार ही करती है ठीक है मैनेज करने का काम वो सारी चीजें सब सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर एक होती है इससे थोड़ी सी भिन्न वो होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ठीक है ये क्या होती है ये जनरली क्या होता है आप ऐसा अज्यूम करते हो कि भाई मैं पूरे भारत में अगर एक ही तरह से स्कीम लॉन्च कर दूंगा तो हो सकता है उससे फायदा ना मिले क्योंकि हर स्टेट के या तो सिस्टम अलग है हर स्टेट अलग अलग लेवल पे है तो आप जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हो गए ठीक है जैसे आपका हेल्थ हो गया तो हेल्थ क्या एक स्टेट सब्जेक्ट है ठीक है वो स्टेट के अंदर आता है वो आपकी राज्य सरकार के अंदर आता है तो उस उसपे सेंटर एक केंद्र लेवल पे स्कीम नहीं बनाता उस उसपे क्या करता है कि वो स्कीम बनाता भी है तो भी उसमें थोड़ी सी फंडिंग वो देता है लेकिन थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेट का भी रहता है उसमें इंप्लीमेंटेशन स्टेट सरकार करती है क्योंकि वो राज्य के आप देखोगे लिस्ट के अंदर भी आता है तो ऐसी सब्जेक्ट्स पे जब आप देखोगे कोई स्कीम बनती है तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ठीक है तो ये जो स्कीम है आपकी नेशनल प्रोग्राम है प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम (NPCA) ये बेसिकली आप देखोगे आ, मर्ज करके बना था जो पहले दो स्कीमें चलती थी एक चलती थी नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान और एक चलता था आपका वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम ठीक है जिसमें आप ना कुछ एक सौ पंद्रह ऐसे आद्र भूमि थी जो अपनी मंत्रालय है ना, वाला, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था जिनको उन्होंने बचाने या संरक्षण करने के लिए आइडेंटिफाई किया था तो वो वाली स्कीम और ये लेक वाली स्कीम को मिला के हमने क्या बोला कि भैया आप एक अलग से एक कंजर्वेशन योजना चालू कर दो और उसको हम अक्वेटिक इकोसिस्टम बोल देंगे जितने भी आपके अक्वेटिक है ना इको सिस्टम है जिसमें लेक्स भी आएंगे वेटलैंड भी आएंगे ठीक है जो आपके रामसर कन्वेंशन है ना उसमें जो डेफिनेशन यूज करी गई है आद्र भूमि की वही वाले डेफिनेशन को यूज करके ही आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से वेटलैंड है और उनके संरक्षण के लिए ठीक है काम करेगा तो इसमें क्या होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना आपकी उसका काम क्या होगा एक तो जो राज्य सरकार है उनपे नजर रखना ओवरऑल आप देखोगे पूरी गाइडलाइन तैयार करना पूरा कोऑर्डिनेशन करना डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज और राज्य सरकारों के बीच में कोई टेक्निकल हेल्प पैसों की हेल्प वगैरह चाहिए स्टेट्स को तो वो देना ठीक है तो ये आपको बस थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए स्कीम्स के बारे में क्योंकि तो मतलब ऑब्जेक्टिव पे स्कीम पढ़ना नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए और फिर हम आते हैं ये चीज जिसने रखा है तहल का ठीक है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत है है हुआ क्या है अभी रिसेंटली सरकार ने आर्द्र भूमि कंजर्वेशन और मैनेजमेंट ठीक है संरक्षण और प्रबंधन नियम को अमेंड किया था और हमने नए नियम लाए थे ये वाले ठीक है और इसमें भी आप देखोगे बाद में वापस और अमेंडमेंट हुआ और इसको लेके हुए पूरे भयंकर तमाशे और क्रिटिसिज्म तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जो 2010 में ये रूल्स आए थे ना प्रबंधन और संरक्षण वाले पहले तो ये देखेंगे उसके बाद हम ये समझेंगे कि 2017 में क्या डिफरेंस आया और क्यों आप देखोगे इन रूल्स को या इन नियम को क्रिटिसाइज किया गया देखो एक चीज याद रखना हमारे यहाँ पे ना एक तो अधिनियम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाला जो दो जो नाइनटीन उन्नीस हाँ थ्री में आया था ठीक है उन्नीस में ठीक है एक आपका है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ठीक है जो उन्नीस छियासी में आया था ठीक है 1986 में आया था ये अधिनियम आप जनरली ये देखोगे कि जब आप किसी चीज की संरक्षण की बात करते हो आप प्रदूषण की बात करते हो तो ये सारे जितने भी आपके रूल्स निकल के आते हैं पॉलिसीज आती है वो मोस्टली इस अधिनियम के तहत आती है ठीक है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ठीक है आपके आप आगे जाके इको सेंसिटिव जोन के बारे में पढ़ोगे तो वो भी आप देखोगे किसके तहत आते हैं आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही आपके उनको क्या बोलते हैं लागू किया जाता है ठीक है तो वेटलैंड्स के जो संरक्षण और प्रबंधन के जो रूल्स हैं ये किसके अंदर आ जाएंगे आपके ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो अधिनियम है उसके अंदर ठीक है अब वेटलैंड्स के अंदर क्या आता बेसिकली इनको संरक्षण करने के लिए हमने क्या बोला कि करने का बेस्ट तरीका है कि आप दो तरीके की एक्टिविटीज बता दो एक जो कंप्लीटली आप कर ही नहीं सकते जो प्रोहिबिटेड है ठीक है क्योंकि ये हमारे वेटलैंड्स को नष्ट करती है उनको हार्म करती है ठीक है जैसे आपने वेटलैंड्स को हटा के अर्बनाइजेशन कर दिया वहां पे उद्योग की स्थापना कर दी वहां कचरा डंप किए जा रहे हो तो ये सारी चीजें नहीं अलाउड होंगी बिल्कुल भी एक होती है आपकी कुछ एक्टिविटीज जो परमिशन के साथ अगर देखो तो अलाउड होंगी जैसे वहां पे आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह कर ली ठीक है आपने ड्रेजिंग करी क्योंकि ड्रेजिंग करना देखो एक तो होता है सैंड माफिया जो जबरदस्ती वहां से सैंड निकाले जा रहा है क्योंकि तो उनको प्रॉफिट करना है ठीक है फिर वो इस चीज से मतलब नहीं रखते कि उसमें मिनिमम सैंड है या नहीं न्यूनतम अमाउंट की सैंड जो रिवर को चाहिए एक होती है ड्रेजिंग जो आपको करनी पड़ती है क्योंकि नदी का जो फ्लो है वो कम हो जाता है क्योंकि उसमें मिट्टी भरी जा रही है तो टाइमली आपको वहां से मिट्टी या आपकी जो बजरी वगैरह होती है सैंड होती है वो निकालनी पड़ती है तो ये एक्टिविटीज आप परमिशन के साथ कर सकते हो ठीक है इसी के अंदर आपने क्या बोला कि भैया कौन डिसाइड करेगा कि ये एक्टिविटीज अलाउड है या नहीं है फ्यूचर में भी हो सकता है कि कोई और गतिविधि हो तो उसके लिए उन्होंने एक बॉडी बनाई जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ठीक है सी डब्ल्यू आर ए जो क्या करेगी एक तो इन नियमों का पालन करेगी ठीक है प्रॉपर गाइडलाइंस वगैरह इश्यू करेगी नियंत्रण रखेगी कि सब लोग इन नियम को फॉलो कर रहे है नहीं कर रहे हैं ठीक है और दूसरी चीज अगर कोई आगे गतिविधि आती है तो ये सब इसके हिस्से में आएगा डिसाइड करना कि वो अलाउड है या नहीं और चौथा कि भाई कौन से वेटलैंड्स हैं वेटलैंड माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे वो भी सेंटर ये वाली जो अथॉरिटी है जो सेंट्रल के अंदर आती है सेंटर के अंदर आएगी केंद्र सरकार के अंदर आएगी यही डिसाइड करेगी ठीक है अब मुझे बताओ मैंने आपको ये रूल्स के बारे में मोटा मोटी बता दिया जितना आपको पता होना चाहिए क्योंकि पुराने रूल्स हैं बारह साल पुराने अब आपको लग रहा है प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम क्या है इन रूल्स के अंदर प्रॉब्लम ये है मुझे एक बात बताओ राजस्थान के एक छोटे से इलाके में कहीं कोई आर्द्र भूमि है आपको उसको वेटलैंड घोषित करना आपको पता है कि भैया उसमें वो नष्ट हो जाएगी उसको जल्दी से घोषित करना पड़ेगा आपने फाइल दे रखी है भेज रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट को वहां पे लग रहा है टाइम तो ये हो गया ना प्रॉब्लम भाई सब कुछ सी डब्ल्यू आर ए कर रही है राज्य सरकार की आपने जो पावर थी वो भी आप सीडब्ल्यू आर ए के पास चली गई ये एक प्रॉब्लम है ठीक है तो ऐसे आप देखोगे की ये जो कुछ प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व करने के लिए फाइनली हमने क्या करा दो हजार सत्रह में वापस से इनके संरक्षण और प्रबंधन के लिए वेटलैंड के लिए हमने नए रूल्स लाए ठीक है ये जो रूल्स थे इसके अंदर हमने सबसे पहली चीज क्या करी डिसन जो पावर थी उसका हमने ज्यादा से ज्यादा जो पावर थी वो राज्य सरकारों को देने की कोशिश करी कि भाई अगर कोई वेटलैंड है तो राज्य सरकार ही उसको अपने स्तर पर घोषित कर दे कि आद्र भूमि की डेफिनेशन के अंदर आएगा और उसके अंदर ये वाले जो नियम है वो लागू होंगे ठीक है दूसरी चीज हमने जो सी डब्ल्यू आ रही थी उसको हटा दिया और हमने राज्य के स्तर पर बॉडी बना दी हमने केंद्र के स्तर पर क्या किया हमने केंद्र के सरकार एक एडवाइजरी बॉडी बना दी जो सिर्फ एडवाइस कर सकती है ठीक है उसके पास कुछ ऐसे पावर्स नहीं जो सी डब्ल्यू आर ए के पास थे लेकिन वो एडवाइज वाला काम पूरा कर सकती है ठीक है फिर इसके बाद आप ये देखोगे कि हमने वापस इसके अंदर वही था कि कुछ एक्टिविटीज अलाउड थी परमिशन के साथ कुछ एक्टिविटीज कंप्लीटली अलाउड नहीं थी लेकिन सपोज करो कि पहले के टाइम पे आपको प्रॉब्लम है कोई अथॉरिटी से आपको सी डब्ल्यू आर ए के डिसीजन से कोई प्रॉब्लम है तो आप अपील कर सकते थे एनजीटी के अंदर लेकिन इस रूल के अंदर आपने ये क्लैरिफाई ही नहीं करा है कि क्या आप अपील कर सकते हो या नहीं कर सकते हो और प्रोसेस क्या रहेगी तो वो आप देखोगे इसमें थोड़ा सा एक चैलेंज है ठीक है इसके अलावा आप ये यह देखोगे यहाँ पे आपने बोला कि आप किसी भी भूमि को ठीक है जहाँ पे वो पानी भरा रहता है वो वारी चीजें तो आप उसको आद्र भूमि डिक्लेयर कर सकते हो इन रिस्पेक्टिव की वो कहीं भी है उसका साइज क्या है उसकी शेप क्या है वो प्राइवेट है या पब्लिक है जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन कुछ इन्होंने ऐसे इलाके बोले या कुछ ऐसे एरियाज बोले जिनको आप वेटलैंड की डेफिनेशन से आप निकाल दोगे आद्र भूमि नहीं मान सकते हो जैसे आपके जो चावल के खेत होते हैं आपने मना कर दिया कि वो वेटलैंड के डेफिनेशन के अंदर नहीं आएंगे प्रिसाइसली रीजन क्या था कि इंडिया में अगर मैं बोल रही हूँ कि 18 परसेंट हमारा इलाका पूरे देश की जो भूमि है वो आद्र भूमि के अंदर आती है तो 18 परसेंट में से एक्चुअली 9-10 परसेंट ही है जो आद्र भूमि है बाकी नौ दस परसेंट तो हमने राइस की फील्ड थी ठीक है तो इसलिए हमने इसको निकाल दिया वैसे हमारी जो पानी की टंकियां नहीं होती है जिनसे आपको पानी मिलता है वॉटर टैंक भी पहले इसमें डेफिनेशन में आते थे वो हमने हटा दिए तो जहां पे आप देखोगे आपके किसान किसी कल्चर कर रहे हैं एक्वा कल्चर कर रहे हैं सोल्ट क्रिएशन कर रहे हैं सोल्ट पैन प्रोडक्शन वो सारे इलाके हमने हटा दिए वैसे आपके जो सिंचाई वाले इलाके होते हैं जहाँ पे केनाल से सिंचाई हो रही है और आजू बाजू के इलाके में आप देखोगे आपका पानी वो होता है ना बह रहा है और वहां से आप देखोगे आद्र भूमि बन रही है वो वाले इलाके हमने हटा दिए वैसे आपके जो नदी बह रही है रिवर चैनल्स है भाई गंगा का रिवर का ऐसा फ्लो है तो वो जहां से बह रही है उनको आपने हटा दिया कि ये भी इसके अंदर नहीं आएंगे ठीक है वैसे ही आपने बोला कि जो इलाके ठीक है आपके इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हो गई जो उन्नीस सौ सत्ताईस में अधिनियम आया था आपका एक फॉरेस्ट का कंजर्वेशन संरक्षण का अधिनियम आया था उन्नीस सौ अस्सी में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो आप प्रोटेक्टेड एरियाज घोषित करते हो तो उसके अंदर जो आपके भूमि आ रही है वो फिर इन रूल्स के अंदर नहीं आएंगे ऐसा नहीं है वो आदर भूमि निकल वो इन रूल्स के अंदर नहीं आएगी उनके ऊपर ये वाले अधिनियम का मतलब जोर जो है वो इन रूल से ऊपर रहेगा ठीक है और वैसे ही आपके कोस्टल जोन रेगुलेशन सीआरजेड रूल्स आए थे ठीक है शैलेश नायक कमिटी के बारे में हम वैसे भी आगे बात करेंगे तो वो वहां पे अगर कोई वेटलैंड्स आ रहे हैं तो वो भी आप देखोगे उन पे भी ये रूल्स या नियम लागू नहीं होंगे ठीक है फिर कुछ एक्टिविटीज थी जो आपने कंप्लीटली इन नए नियमों के अंदर बंद ही कर दी कि भाई आप आर्द्र भूमि को वो पर बोलते हैं ना ऐसा नहीं है कि नॉन वेटलैंड के लिए यूज करोगे या उसको वेटलैंड ही मतलब कन्वर्ट ही कर दोगे किसी नॉन वेटलैंड में तो वैसा नहीं कर सकते ठीक है आप वहां पे कोई बड़े बड़े जो अपने ये प्रदूषण वाले उद्योग नहीं होते वो सेटअप नहीं कर सकते या आपकी कोई एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है जिसको अभी के लिए परमिशन दे दी गई है कि ठीक है आप वहां पे उद्योग जो है उसको चलने ले दो लेकिन आप उसका एक्सपेंशन विस्तार नहीं कर सकते वैसे वहां पे डंपिंग वगैरह करना वो तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है ठीक है कोई चाहे वो वेस्ट कैसा भी हो चाहे वो आपका कंस्ट्रक्ट का वेस्ट हो चाहे आपका इंडस्ट्री का वेस्ट हो हाउस होल्ड का वेस्ट हो कोई भी वेस्ट हो आप डंप नहीं करोगे भूमि पे ठीक है वैसे ही आपका आप देखोगे कोई भी अगर कचरा वहां जाएगा तो आप उसको ट्रीट करने के बाद जो अपनी लिमिट लिमिट होती है ना प्रदूषण की अगर उसके अंदर है तो तो अलाउ करोगे नहीं तो नहीं अलाउ करोगे किसी भी तरीके का आप वहां पे परमानेंट कोई बंबू स्ट्रक्चर मतलब बोलते हैं ना बिल्डिंग बिल्डिंग वगैरह नहीं बना सकते एंक्रोचमेंट नहीं कर सकते जैसा आपने आपको बैंगलोर के लेक्स में होता हुआ मिलेगा ठीक है अब ये सारी तो अच्छी चीजें आपको लगेगा बहुत अच्छी चीज है और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया था जो यहाँ पे मैं नहीं है लेकिन आप लिख लो वो है वाइज यूज का ये बेसिकली आपका जो रामसर कन्वेंशन है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो रामसर कन्वेंशन से इंस्पायर होकर आपने बोला था कि जो नए रूल्स आए हैं ना आपके जो नए नियम आए हैं उन्होंने बोला कि आप जब भी वेटलैंड्स को यूज करोगे तो ये वाइज यूज का प्रिंसिपल फॉलो करोगे वाइज यूज का मतलब होता है इस तरीके से यूज करना की आपका काम भी निकल जाए और आर्द्र नष्ट भी ना हो ठीक है मतलब जनरली हम बोलते हैं सस्टेनेबल यूज सस्टेनेबल सतत तरीके से किसी चीज को यूज कब करोगे जब आज के लिए भी हो और कल के लिए भी जिंदा रहे वैसी चीज को आप बोल सकते हो वाइज यूज कहीं ना कहीं वैसे प्रिंसिपल को फॉलो करता है बट मुझे एक बात बताओ ये कितना सब्जेक्टिव है आप इस, इसकी डेफिनेशन ही इतनी सब्जेक्टिव है आप बोलोगे तो हो सकता है अलग हो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बोले तो अलग हो ठीक है कोई एनवायरमेंटलिस्ट बोले तो अलग हो तो ये इतनी सब्जेक्टिव है कि इस पर बहुत सारा एक तो विवाद हुआ ठीक है तो एक विवाद का वो क्या हो गया मैंने गलत बताया है, कर दिया, अपील करने से नहीं लेकिन बताया ही नहीं है कुछ बोला ही नहीं है यहाँ पे ठीक है तीसरा यहाँ पे ना एक चीज बोली है कि अः देखो आपने यहाँ पे क्या बताया कुछ एक्टिविटीज जो बिल्कुल ही निषेध है जो प्रोहिबिटेड है जो आप कर ही नहीं सकते लेकिन इन्होंने ना एक लूट होल छोड़ दिया कि कल को अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो केंद्र सरकार को एक प्रपोजल भेज सकती है जहाँ पे वो बोल सकती है कि भैया कुछ एक्टिविटीज को हो सकता है वो ये वाली एक्टिविटी भी होगी जहाँ पे आप वेस्ट डंप कर रहे हो लेकिन वहां पे इन एक्टिविटीज को भी अलाउ कर दिया जाएगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ कर दे तो ठीक है अब वही है अब आप सोच लो ये तो मैं क्या बोलू इसमें ये पॉलिटिकल मुद्दा है और आपको पता है कि मिस किया जा सकता है ठीक है तो ये आपके कहीं ना कहीं कंसर्न्स थी आपकी शिकायतें थी जो आपके नए रूल्स आए हैं उसके साथ ठीक है और काफी क्या बोलू मैं बहुत हंगामा समझ गया था मार्केट में जब ये नए रूल्स आए थे लेकिन मोटा मोटा आपको ये पता होना चाहिए देखो आपके यहाँ पे मैक्सिमम दस नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा दस या मैक्स टू मैक्स है ना तो उसमें भी आपको सौ शब्द लिखने होंगे अगर आपसे कोई पूछ भी ले तो आपको पहले रूल समझाने पड़ेंगे फिर उसके रूल्स के कंसर्न क्या है अगर आपने तीन से चार भी लिख दिया ना तो भी आपको उतने मतलब बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे तो पूरे रूल्स पढ़ के टाइम वेस्ट करोगे उससे बेटर है यहां से एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेना ठीक है अब चूंकि मेरे को आपको एक बार दिखाना है कि पी में कैसे इंफॉर्मेशन आती है मैं एक बार आपको दिखाने वाली हूं तो हम जाएंगे गूगल बाबा पे ठीक है यहाँ पे हम लिखेंगे वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स ठीक है और यहाँ पे आप लिखोगे पी तो जब आप ये टाइप करोगे तो ये देखो ये दिख रहा है 2017 का तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड फेब्रवरी एक्चुअली सेकेंड फेब्रवरी क्यों है क्योंकि सेकंड फेब्रवरी को हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड वेटलैंड डे उसी दिन आप देखोगे रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक तो थीम बता रखा है 2017 का ठीक है और एक एक ना यहाँ पे एक मिनट एक यहाँ पे आप देखोगे ये बता रखा है कि कैसे उन्होंने नए जो वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स थे वो बेसिकली इंट्रोड्यूस करें ठीक है तो यहां से आप देखोगे पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो अः ये देखो ये दिखा रहा है ये आप यहाँ पे देख रहे हो जहां पे उन्होंने नोटिफाई किया है ये वाला देखो एक मिनट वो बता रहा है कि कैसे उन्होंने जो दो के जो रूल्स थे उसको ऊपर करके अब दो के नए रूल्स पास करें ठीक है और ये पूरा अब ये आप यहां से देख ले रहा एक बार ठीक है तो ऐसे आपको पूरा डेटा मिल जाएगा ओके okay, तो आप चाहोगे तो आपको ये नहीं तो इसको अगर आप पी आई बी भी हटाओगे एक मिनट यहाँ पे करते हैं एंड ये देखो पूरी गाइडलाइंस के साथ मिल जाएगा कि भाई क्या रूल्स है नोलो ये पी डी एफ होगा फॉर श्योर ये देखो ये फाइनल वर्जन है आपका जो कि आपकी गाइडलाइंस है 2017 वाले रूल्स की ये देख रहे हो आप पचास पन्नों का डॉक्यूमेंट है यहाँ पे ये बता रहा है कि कौन से वेटलाइन है तो जिनको रेगुलेट करना है लिस्ट कैसे प्रिपेयर करी जाएगी क्या क्या अथॉरिटीज हैं ये देखो कैसे आप डिलीनेट करोगे वेटलैंड को वाइज यूज का मतलब क्या है कौन सी एक्टिविटीज कंप्लीटली निषेध है ठीक है कौन सी एक्टिविटीज रेगुलेट करी जाएंगी रजिस्ट्रेशन कैसे होगा नोटिफिकेशन कैसे होगा उनका मैनेजमेंट प्लान कैसे बनेगा देख रहे हो आप ये देखो यहां से है ये पूरा ठीक है कौन से वेटलैंड आते हैं कौन से नहीं आते हैं ये सारी चीजें भी इसके अंदर आएंगी ठीक है समझ में आ गया आपको तो अः आई थिंक इसी के साथ ये वाला चीज हो जाएगा तो मैंने आपको दिखा दिया लेकिन वही है कि क्या आप इतना समय इसमें लगाना चाहते हो वाइज यूज हो गया देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वेटलैंड जो है वो वाइज यूज अप्रोच फॉलो करेंगे ठीक है तो ये वाइज यूज का मतलब क्या होता है ये बता रहे हैं कि आप इस तरीके से वेटलैंड को यूज करोगे कि उनका जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है ठीक है वो मेंटेन रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए मैंने बताया ना सस्टेनेबल यूज वही है बेसिकली आपका वाइज यूज ठीक है आप ये बता रहे हैं कि भाई वाइज यूज आप कब कहोगे कि नहीं होगा आपने वहां कचरा पटक दिया वहां की जैव विविधता को खत्म कर दिया वहां की नदी फ्लो हो रही थी उसी को ही आपने बंद कर दिया वहां पे स्पीशीज स्पीशीज ला दी, स्पीशीज ला दी दी समझ में आ रहा है वहां पर डिफोरेस्टेशन कर दिया तो वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी थी, ठीक है तो एक बार अगर चाहो तो नजर घुमा लेना नहीं चाहो तो मैंने इसको पूरा आपको यहाँ पे बता दिया जो आपके लेवल के लिए उतना काफी होगा ठीक है तो इसी के साथ हमारा ये वाला सेशन मेटलैंड पे खत्म होगा होमवर्क जरूर करना और अगर नहीं किया है पुराने सेशंस का भी तो एक बार कर लेना ठीक है फिर से मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद